फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल ऑल न्यूज मैसेज में। जैसा कि आप थंबनेल को देख कर आएंगे, इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में की वापसी, वेस्टइंडीज को जबरदस्त दी पटकनी। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़ोतरी बना ली है। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच खेले जा गए पहले टी20 मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच की खासियत इंग्लैंड के गेंदबाजों द्वारा सिक्सर मैन क्रिस गेल को जल्दी में आउट करना रहा है। गेल के आउट होते ही मैच का परिणाम एक तरफा दिखने लगा और अंततः इंग्लैंड मैच जीतने में भी कामयाब रही। इससे पहले वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से निकोलस पूरन ने सबसे अधिक 58 रन की पारी खेली। इसके अलावा वेस्टइंडीज का कोई बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सका और न ही वेस्टइंडीज के लिए उपयोगी पारी का योगदान किया। नतीजा, वेस्टइंडीज की टीम 160 रन पर ही सिमट गई। एक दिवसीय सीरीज में उमदा बल्लेबाजी करने वाले गेल जल्दी में आउट हो गए। इंग्लैंड की तरफ से टॉम करन ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए। इंग्लैंड ने जीत के लिए मिले 161 रन के लक्ष्य को 18.5 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर ली। इंग्लैंड की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने तूफानी पारी खेलते हुए 40 गेंद में 68 रन की पारी खेली। जॉनी बेयरस्टो की तूफानी पारी की बदौलत इंग्लैंड ने मैच आसानी से जीत ली। दोनों देशों के बीच दूसरा मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।